अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 17 बच्चे और एक ड्राइवर उस वैन में थे। 13 बच्चों की दुखद मौत हुई है। 4 बच्चे और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं। यहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया है। उन्हें सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैंने दोनों स्थानों का इससे पहले घटनास्थल का भी और पडरौना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी भ्रमण करके वहाँ पर इन सब बातों का निरीक्षण किया है। वहाँ के जिला प्रशासन को और गोरखपुर के जिला प्रशासन को भी पीड़ितों को हर संभव सहायता और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें तत्काल स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और व्यवस्था हो रही उसी का निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ स्वयं आया हूँ। गोरखपुर के कमिश्नर को इस पूरी दुर्घटना की जांच करके और शाम तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वे घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। दुर्घटना मुख्य रूप से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुई है। वहां पर स्कूली वैन एक पैसेंजर ट्रेन से टकराने के बाद यह दुखद घटना घटित हुई है। मैंने रेल मंत्री से इस संबंध में बातचीत की है। जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है उन्हें मानव युक्त करने के बारे में उनसे अपील की है। रेलवे मंत्रालय ने भी अपनी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति व्यक्त की है जिनके बच्चे इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। हमने प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिजनों में प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपए की सहायता दी है और रेलवे मंत्रालय ने भी मृतक के परिजनों को 2 लाख और गंभीर रूप से घायल जो भी यहां पर हैं उन सबको 1-1 लाख रुपए की सहायता की है।